जैसलमेर में किसानों और कमजोर वर्ग के सबसे बड़े हितेशी और बाबा के नाम से ख्यात खरताराम जाखड़ की जीवनी शब्दों के जरिए सभी के सामने उतरती नजर आई। रविवार को खरताराम जाखड़ भणियाड़ा की जीवनी संघर्ष के पर्याय चौधरी खरताराम जाखड़ पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन समारोह पूर्वक किया गया। जाट चैरिटेबल ट्रस्ट में आयोजित समारोह में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। जैसलमेर में किसानों और कमजोर वर्ग के सबसे बड़े हितेशी और बाबा के नाम से प्रसिद्ध खरताराम जाखड़ की जीवनी रविवार की रोज शब्दों के जरिए सभी के सामने उतरती नजर आई। रविवार को खरताराम जाखड़ भणियाड़ा की जीवनी संघर्ष के पर्याय चौधरी खरताराम जाखड़ शीर्षक से लिखी गई पुस्तक का विमोचन समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जाट चैरिटेबल ट्रस्ट में आयोजित समारोह में प्रदेश के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी बतौर विशिष्ट अतिथि और गुड़ामला ने विधायक हेमाराम चौधरी बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष मौजूद रहे। अतिथियों ने समारोह को संबोधित करते हुए चौधरी खरताराम जाखड़ के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आज हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। गौरतलब है कि खरताराम भणियाड़ा के 35 साल तक सरपंच रहे। वो भणियाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति और जैसलमेर क्रय विक्रय सहकारी संघ के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। मात्र अक्षर ज्ञान प्राप्त एवं पेशे से पशुपालक व किसान खरताराम ने भणियाड़ा में 60 के दशक में किसान छात्रावास की स्थापना की। सादा रहन सहन ग्रामीण वेशभूषा में खरताराम जाखड़ ने समाज सेवा की अलग जगाई। समारोह को गुणमलानी विधायक हेमाराम चौधरी ने भी संबोधित किया। लेखक जोगाराम सारण द्वारा लिखी इस पुस्तक का प्रकाशन में श्री किसान शोध संस्थान लाइब्रेरी बाड़मेर ने अपना सहयोग किया। विमोचन समारोह में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में चौधरी खरताराम जाखड़ के परिवार से भी कई लोग मौजूद रहे।